आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में जो हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। उन सारी वेब सीरीज के बारे में कई सारी डिटेल्स आई है, कब रिलीज होगी और क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, यानी कि दोस्तों पूरी डेट आपको बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। सो दोस्तों वेलकम टू मेडिका रिव्यू। और हाँ दोस्तों, यार अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर सीजन के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और हम सभी को यार इसका सीजन 3 का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था, तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है और फाइनली कल यानी 19 मार्च को भाई साहब बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, या यूं कहो कि काफ़ी बड़ा इवेंट रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर प्राइम वीडियो के कई सारी अपकमिंग वेब सीरीज से रिलेटेड अपडेट वीडियो आने वाले हैं। सो यार पहले कहीं ना कहीं ये मार्च के अंदर ही आने वाला था, लेकिन अब मार्च के अंदर यार इसकी मूवी आने वाली है ए वतन मेरे वतन, तो यार उसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया है। लेकिन हाँ अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ जल्दी ही यानी कि कल इसका इवेंट रखने वाले हैं। कल इसका इवेंट होगा तो उसमें डेफिनेटली हमारे सामने हो सकता है कि हमें कुछ टीज़र या ट्रेलर देखने को मिल जाए और फाइनली मिर्ज़ापुर के दर्शन हो जाए, क्योंकि यार मिर्ज़ापुर का एक अलग ही भोकाल रहा है बाइकोड, क्योंकि यार उसके जो कैरेक्टर है हर एक कैरेक्टर ने एक अलग ही दिल के अंदर जगह बनाई है, चाहे वो मुन्ना भैया का हो, चाहे गुड्डू भैया का हो, या फिर कालीन भैया, या फिर ठरकी बाऊजी। जी हाँ ऑफकोर्स ऑब्वियसली, तो यार यहाँ पर कहीं ना कहीं बीना का भी कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कुछ एक लोगों को, तो यार सच में लगना भी चाहिए जिस तरह का उसका कैरेक्टर था। खैर तो दोस्तों यार यहाँ पर अगर हमें टीज़र दिख जाता है तो यार सच में चांदी चांदी हो जाएगी डेफिनेटली। सो क्या उस सीजन में होने वाला है मिर्ज़ा 3 के अंदर भाई साहब हमें क्या क्या नज़र आएगा, और हाँ इसमें हमें भाई साहब डेफिनेटली मुन्ना भैया नज़र आने वाले हैं, ये 101% श्योर है दोस्तों। उनका कैरेक्टर को सीजन 2 के अंदर जो मरा हुआ दिखाया था, लेकिन डेफिनेटली वापसी करेंगे सीजन 3 के अंदर, और गुड्डू और मुन्ना की ज़बरदस्त भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी। और यार मुन्ना भैया को ऐसे थोड़ी ना यार यहाँ पर यार ख़त्म कर सकते हैं, भोकाल है भाई। जी हाँ, सो मिर्ज़ापुर की यार जिस तरह की लिगेसी रही है, यार बच्चा बच्चा फ़ैन है मिर्ज़ापुर का, तो यार डिले नहीं करना चाहिए वैसे तो यार, और जल्दी ही रिलीज कर देना चाहिए और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी इवेंट में क्या क्या रखा गया है। जिस तरह यार नेटफ्लिक्स इवेंट रख के अपने आने वाले जितने भी शोज़ को यार पूरी तरीके से एक कैलेंडर वाइज तैयार करते हैं कि भाई साहब हम इस डेट को ये शो देने वाले हैं, उसी तर्ज पर अब प्राइम वीडियो भी यहाँ पर भाई साहब पूरा इवेंट में अपने अपकमिंग शोज़ के बारे में खुलकर डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो हमारे सामने कल न्यूज़ आ ही जाएगी। वहीं अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज आती है यार फैमिली मैन के भी यार अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं और 3rd सीज़न भाई साहब यहाँ पर काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, और इस बार इसका विलेन बहुत ही धमाकेदार बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो यार फर्जी का भी नेक्स्ट सीजन आने वाला है, और इस इवेंट में बिल्कुल हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और अगर बात करें वरुण धवन का मेगा बजट यार सीरीज सिटाडेल दोस्तों, जो का जिसका एक इंग्लिश वर्जन भी आया था जिसमें हमें प्रियंका जी मैडम भी नज़र आई थी, लेकिन वो खास जमा नहीं। अब उसका हिंदी वर्जन सिटाडेल करके आ रहा है जिसमें हमें वरुण धवन और समांथा रुद्र प्रभु भी नज़र आएगी, तो अब इस बार ये क्या धमाका मचा पाएंगे, किस तरह का ये शो अगर अलग होता है या पूरा ही रीमेक रहेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ इसका बजट काफ़ी ज़्यादा हाई बताया जा रहा है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इंटरनेशनल जो सिटाडेल जो विदेशी जो या यूं कह लीजिए जो इंग्लिश वर्जन था उसका इंडियन वर्जन से क्रॉसओवर दिखाया जाएगा, यानी कैरेक्टर इधर से उधर दिखाए जाएंगे, तो यार एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सो अब बात करते हैं पंचायत 3 के बारे में, तो यार पंचायत 3 को लेकर एक प्लॉट का यार यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका एक प्लॉट लीक हुआ है जो कि दोस्तों क्या है थोड़ा बात करते हैं। तो दोस्तों इसके भी अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीज़न काफ़ी धमाकेदार रहे हैं। सचिव जी और प्रधान जी की जो केमिस्ट्री रही है बहुत ही लाजवाब रही है। इसके अंदर हमें जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, सानवी और फैजल काफ़ी धमाकेदार जो एक्टर्स हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है जो ग्राउंड लेवल की जो परफॉर्मेंस है उन्होंने यार आश्चर्यचकित कर दिया था। सो यार इसके प्लॉट की अगर बात करें तो इस बार यार सचिव जी प्रधान जी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, वो एक अभियान चलाने वाले हैं नशा मुक्ति का। सो यार अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर लाउड स्पीकर बांध कर वो ऐलान करेंगे, नशा मुक्ति और शराब मुक्ति से रिलेटेड अभियान चलाएंगे, तो यार सभी लोगों को जागरूक करते हुए आएंगे और कहेंगे भाई साहब शराब छोड़ो, नशा छोड़ो और मस्त रहो। अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो यार इसका रिलीज अभी
टाइम है यार इसका, अभी अगर सूत्रों जो रिपोर्ट्स में जिस तरह से इसकी रिलीज डेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 में ये रिलीज होगा दोस्तों। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कल इवेंट रखा जा रहा है और उस इवेंट में हमें और भी कहानी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर जो भी पूरा अगर दिसंबर में भी आता है तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेंगे, उससे पहले हमें मिर्ज़ापुर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था यार अपकमिंग वेब सीरीज रिलेटेड अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को यार डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना यार। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।